Did it? Why is it? ऐतिहासिक घटना घटने वाला है, घोड़े के ऊपर हाथी चढ़ने वाला है। घोड़ा भाई चैनल। तो गाइज आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं मंदारमणि से। तो सुबह अभी तो बज रहा है 9:30 बज रहा है। तो हम लोग उठ गए थे और पूरा लगेज जो है रात को हम लोगों ने नहीं लगाया था, तो अभी सब कुछ लगा चुके हैं। अभी जाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद मैं जाऊंगी सी बीच में थोड़ा सा नारियल पानी खाने और लास्ट मतलब हाँ नारियल पानी पीने। और कब आना होगा इस साल में पता नहीं, तो इसलिए एक बार लास्ट सी बीच एक बार फिर से देख के आऊँ। तो गाइस किसी भी कारण से मेरा ये ट्रैवल सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करना, ताकि आगे भी मैं ट्रैवल कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक्साइटिंग वाला वीडियो ला पाऊँ। तो चलिए गाइस यही से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, मतलब ब्रेकफास्ट करते करते आप लोगों से मिलते हैं। भाई यहाँ पे नहा के अभी क्रीम ट्रीम सब लगा रहा है। ओह तो गाइस मेरा स्किन के साथ बहुत ही डिजास्टर हुआ है। बेसिकली ये कोविड के वजह से 2 साल इतने धूप में रहने का आदत मेरा स्किन को चला गया था। वैसे भी मेरा धूप में निकलने के बाद मेरा स्किन जो है रेड हो जाता है, लेकिन वो आधा घंटे में चला भी जाता है। लेकिन कल इतना सनबर्न हुआ कि पूरा ये देख सकते हैं, ये लाल लाल देख सकते हैं। ये मैंने कोई मेकअप नहीं डाला है, कुछ नहीं दिया स्किन में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव हो गया है मेरा स्किन। तो ये पूरा सेक्शन जो है पूरा थोड़ा सा इचिंग है, मतलब जलन जैसा है, जैसे कोई गर्म कुछ लग गया हो। और हाथ में भी सेम है। तो इसलिए मैंने आज फेस में कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक डाला है, काजल दे दिया है बस, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा स्किन का कुछ हो जाए। तो छतरी मैंने यूज़ किया है कल, मतलब किया था, लेकिन फिर भी इतना धूप था और फोटोशूट करने के टाइम तो विदाउट छतरी हम लोग खड़े हुए थे, तो इसलिए शायद हो गया होगा। तो मेरा स्किन को भी पता नहीं था ना अचानक उसे इतना धूप में मैं लेके जाऊंगी। तो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, 10 बजने वाला है। ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है, अभी मैं और भाई जा रहे हैं सी बीच के वहाँ पे, क्योंकि 11:30 हम लोगों का चेकआउट है और 11:30 हम लोगों का गाड़ी भी आ जाएगा। तो गाड़ी के साथ हम लोगों ने कॉल करके बुक कर लिया है। तो चलिए सी बीच में चलते हैं। और भाई गया है छतरी लाने, तो छतरी लेके, क्योंकि अभी लग रहा है बारिश हो सकती है, क्योंकि आज सुबह बहुत बारिश हुआ है। तो फिलहाल अभी वेदर ठीक है, धूप नहीं है, अच्छा है मेरे स्किन के लिए। ये वाले रिसोर्ट को मैं मतलब बहुत मिस करूंगी। तो गाइस जोर का हवा स्टार्ट हुआ है, मैं छतरी के नीचे हूँ। अरे बाप रे, छतरी तो पूरा खुल भी ना रहा है। देखिए कैसा हाल है, दुकान आ गया। हाँ।
जोर की बारिश है, देख सकते हैं। देखिए तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ एकदम ऐसे नीचे। जूता फूता भी चेंज कर लिया है क्योंकि वो वाला जूता एकदम कादा कादा हो गया था, तो चलिए निकलते हैं। चलो किचू देखे नहीं तो सब सोजा एक है। तो गाइस हम लोगों का गाड़ी आ चुका है, ये आ रहा है और थोड़ा थोड़ा झिरी झिरी बारिश हो रहा है। हर घर जाने के लिए रेडी। হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি, এই এটা এটার ভিতরে ঢোকা হবে। তো গাইস আবি হাম লোগ ওল্ড দীঘা মার্কেট মে যা রহে হ্যায়, তো গাড়ি হাম লোগোঁ কা বুক অভি তক নেহি হুয়া হ্যায় ক্যুঁকি জো হাম লোগ কো জো বাস চাহিয়ে ও নেহি মিল রহা হ্যায় অভি, অর জো মিলে মিল রহা হ্যায় ও আধা ঘন্টে কে বাদ হি ছোড় দেগা। তো অভি মার্কেট মে থোড়া সা টাইম ভি লাগেগা, তো পতা নেহি কব তক আয়েঙ্গে, तो इसलिए हाँ आधा घंटा तो कैसे चला जाएगा। डोलना डोलना की দুপুরের মতন হয়ে গেছে, যেখানে যাচ্ছি লাগেজ নিয়ে দৌড়াচ্ছি। আরে ওখানে কি খবর? পরে না না ওখানে কি খবর শুন, মানে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম আর বৃষ্টিটা বন্ধ হলো। अचानक बारिश शुरू हो गया था तो हम लोग सामने ही शेड में खड़े हुए थे, तो अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ये सीनरी देखने के लिए और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो वो तो मेरा हो गया है, भाई गए मम्मी को वहाँ से लाने के लिए, तो मम्मी आ जाए तो दो चार पिक्चर खींचेंगे, उसके बाद दीघा का जो मार्केट है वहाँ पर जाएंगे क्योंकि मुझे एक झूला ख़रीदना है। कल देख रहे थे लेकिन प्राइस कुछ सही नहीं लग रहा था, तो और बार्गेनिंग करने का टाइम भी नहीं था कल, तो आज वो टाइम लेके हम लोग करने वाले हैं। मैं सोची थी दीघा का ये सीन मुझसे मिस हो जाएगा लेकिन फाइनली मिस नहीं हुआ, ये भी मुझे दिखने को मिल गया। पता नहीं कब आना होगा। तो चलिए मम्मी आ चुकी है। माँ सीढ़ीटा यदि देखो यदि कत सीढ़ी आ आस्ते करो उठते पर না ওটা না এখানে দাঁড়া, ওটা ফটো তুলে দেবো। হ্যাঁ না না আস্তে করে ওই জায়গাটা দাঁড়া, ওই জায়গাটা কোনো বাজে লাগছে না, খুলো না চুলগুলো, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। টিপু সুলতান দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এবার দাঁড়া সরে যা, হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস দাঁড়িয়ে থাকো চুপচাপ, আরে উঠে আসো উঠে আসো, অনেক ফটো তুলেছো আস্তে করো, ওটা আবার ঢিকবা ঢিকবাজি খেও না, এ শুকনো আছে, এখানটা শুকনো আছে, বাবা হাওয়াতে শুকিয়েও গেল এর মধ্যে। দেখো এইগুলোকে আবার এ দিয়ে আটকে, হ্যাঁ বললাম তো স্ক্রু দিয়ে আটকেছে। হ্যাঁ না যদি অল্প একটু ঘুরি,
भूलने ऐतिहासिक घटना घटने वाला है, घोड़े के ऊपर हाथी चढ़ने वाला है। घोड़ा भाई हेलो है, मुझे इसके आंखों में डर दिख रहा है। पुष्पा झुक गया, जीप जगत से है, जीप जगत चढ़ना हो गया, हमने वो टिक कर दिया अपने चेक लिस्ट में, जो जो था करना है। घोड़ा चढ़ा चेक लिस्ट में थी ना, ओ तो फिर से हमने लिस्ट में ऐड करके टिक कर दिया। ये ओल्ड हदी का बीच है जहाँ पे हम लोग अपने बैग लेके घूम रहे हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट 80% शॉप जो है बंद है, तो देख रहे हैं झूला कहाँ पे मिलता है। अभी हम लोग दोपहर के खाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस दोपहर के लिए अभी भूख लग
जगह है तो बिरयानी लिया है हमने, क्योंकि अंदर जब घुस रहे थे तो बिरयानी का फ्लेवर है, मतलब खुशबू आया तो बहुत खाने का मन हुआ। तो यहाँ पे एक अंडा दिया है, एक चिकन, अच्छा दो चिकन दिया है और एक आलू। अच्छा क्वांटिटी भी अच्छा ही लग रहा है। तो मैं और भाई अभी हाफ हाफ करके खा रहे हैं, हाँ मम्मी ने भेज थाली ऑर्डर किया है, उसमें है दाल, की किया था दादा दाल सूप तो गाइस अभी तक हम लोगों ने बस नहीं पकड़ा है, क्योंकि बस मिला ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम को हम लोगों को मिल रहा था उस टाइम हम लोगों को दुकान फुकान जाना था, खाना था, इसलिए हम लोग उस टाइम का बस जो है वो नहीं लिया था। अभी 3:30 बजे का जो है बस नहीं मिलता यहाँ पे, उसके बाद मतलब 6:30-7 बजे से फिर से बस का जो सर्विस है वो स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने 6:30 बजे का जो बस है वो ही उसका ही टिकट बुक किया है। এখন বাজে 6:15, আমাদের টাইম হয়ে গেছে প্রায় 6:25-এর মধ্যে সামনে দাঁড়াতে বলেছে বাসের, ওখানে বাস আসবে 6:40-এ। তো আমরা এখন যাচ্ছি, আর এটা হচ্ছে ওল্ড দীঘা বিচের সন্ধ্যার টাইম, সবাই এখন নিজের জিনিস নিয়ে বসেছে, সবে দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে, মানে মনে হচ্ছে কোনো টাইপের মেলা। মিনিয়েচার মানুষদের জন্য তৈরি হয়েছে, রিক্সা করে তো বসে বসে যাবো। বসে থাক বসে থাক বসে দেখ, কেমন কমফোর্টেবল ব্যাপারটা, ভালো করে একটু প্যাক করে দাও, ঠিক আছে? ১৬, ১৭, ১৯